अब आप ये समझो कि एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि आप मेरे घर पे आए हो और आप मेरे साथ बैठे हो, तो जब मेरे साथ बैठे हो तो ऑब्वियसली बात है कि मैं जितनी बार खाना खाऊंगा आपसे पूछूंगा खाना अभी खा लो, और आप हो तेज चालाक तो जितनी बार मैं खाना खाऊंगा उतनी बार आप खाना खा लोगे। फायदा किसको हो रहा है आपको, नुकसान किसको हो रहा है, बैक्टीरिया को। तो जितनी बार बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल डिवाइड करेगा उतनी बार क्या करेगा, वायरस का भी जेनेटिक मटेरियल डिवाइड करेगा, और फिर फाइनली यहां पर यह ग्रोथ करके बहुत सारे वायरस अंदर में बना लेगा। इस बैक्टीरिया के सेल के अंदर या बैक्टीरियल के बैक्टीरिया का सेल हुआ, दिस इज यह बैक्टीरियल सेल, और इस बैक्टीरियल सेल के अंदर वायरस जो है बहुत सारे अपने सेल को बना लिया, ग्रोथ कर लिया। बहुत सारे वायरस को बना लिया, ठीक। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि इस वायरस, ये जो वायरस है बैक्टीरिया के सेल को मार देगा, बहुत सारा ग्रोथ कर लिया, ग्रोथ करके अब ये क्या करेगा, इसके सेल को मार दिया। ठीक है, और इसको सेल को रप्चर कर दिया, और बहुत सारे वायरस जो इसके अंदर बने थे अब वो बाहर रिलीज हो गए, एंड नाउ रेडी फॉर इन्फेक्ट टू न्यू बैक्टीरियल सेल। अब ये जो वायरस नया बन के आया है अब वह रेडी है नए बैक्टीरियल सेल को, यानी नए किसी सेल को इन्फेक्ट करने के लिए, रिलीज हो गया। ठीक है, इस तरह से यह रिलीज हो गया, तो यहां पर बैक्टीरियल सेल को या लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरिया का सेल लाइज कर गया, मतलब टूट गया, तोड़ दिया, तोड़ के एंड रिलीज वायरस टू इन्फेक्ट न्यू सेल। तो इस तरह से साइकिल जो है ये चलाता है कौन, ये वायरस अपना ग्रोथ के लिए। तो इसी के बेसिस पर तीन तरह के वायरस हम लोग, यानी कि उसके रिप्रोडक्टिव साइकिल के बेसिस पर तीन तरह का वो रिप्रोडक्टिव साइकिल दिखाता है। एक होता है लाइटिक फेज, दूसरा होता है लाइसोजेनिक फेज, और तीसरा होता है टेम्परेट। ठीक है, तो यानी अगर रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया वायरस लिखना होगा या रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ वायरस, तो तीन फेज में हम लोग उसको दिखाते हैं, तीन टाइप के, बस थोड़े से एग्जाम्पल के रूप में, यानी कि रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ वायरस, वायरस का रिप्रोडक्टिव साइकिल तो कौन कौन, एक हो जाएगा लाइसोजेनिक फेज, लाइसोजेनिक फेज। ठीक है, लाइसोजेनिक फेज में क्या होता है, तो लाइसोजेनिक फेज में, ठीक है, लाइसोजेनिक फेज में वायरस जो है वह अपने होस्ट सेल को, यहां पर होस्ट कौन है, जैसे बार बार हम लोग बोलते हैं ना कि होस्ट सेल, हम बोल रहे थे आपको, तो होस्ट का मतलब जिसके अंदर जाके रहेगा, तो होस्ट सेल का मतलब यहां पर अभी कौन होस्ट है, तो यहां पर अभी होस्ट वायरस का बैक्टीरिया है, तो होस्ट सेल को जाकर के जब मार देगा ग्रोथ करने के बाद, उस तरह के फेज को हम लोग कहते हैं लाइसोजेनिक फेज। ठीक है ना, नहीं लाइटिक फेज, सॉरी। तो यहां पर जो बैक्टीरियल सेल हुआ, यानी इसको हम लोग होस्ट सेल कहेंगे, बैक्टीरिया का सेल जो हुआ इसके लिए, तो बैक्टीरिया कभी भी अगर हमारे सेल के अंदर आके वायरस रह रहा है, ग्रोथ कर रहा है, तो वो हमारा सेल क्या हो गया, होस्ट सेल हो गया। बैक्टीरिया के अंदर जाके रह रहा है तो बैक्टीरिया क्या हो गया, होस्ट सेल हो गया। तो इसी तरह के फेज पे और इसी तरह के साइकिल पे ये जो है तीन तरह का, एक लाइटिक फेज होता है, दूसरा लाइसोजेनिक होता है,
और तीसरा टेम्परेट होता है। पहले लाइटिक फेज को देखिए, लाइटिक फेज का मतलब वायरल जेनेटिक मटेरियल डिवाइड विथ वायरल जेनेटिक मटेरियल डिवाइड विथ होस्ट सेल एंड फाइनली किल कर देगा या मार देगा, मतलब किल कर देगा या उसको लाइस कर देगा। लाइसिस का मतलब होता है कूटना, मतलब उसको तोड़ देगा। तो ऐसा अगर कुछ भी काम करता है तो उसको हम लोग कहते हैं, यानी कि वो मार देगा। तो कंप्लीटली जो है वो पेनेट्रेट कर देगा उसको, या फिर उसको लाइस कर देगा, तो उसको कहते हैं हम लोग लाइटिक फेज या लाइटिजेनिक वायरस। ठीक है, तो इसमें कंप्लीटली होस्ट सेल जो है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो फाइनली होस्ट सेल डिस्ट्रॉय, ठीक है, या फिर इसको ये क्या करेगा, किल कर देगा, मार देगा। मारने का मतलब कब मरेगा, देखिए अगर किसी चीज को तोड़ के निकलेगा तो ये सेल तो मर ही गया ना, तो तोड़ के निकला तो ये सेल तो मर गया। अब ये सेल मर गया तो ये किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ते हुए नहीं निकल गया। तो इसीलिए तो इस ऐसे को हम लोग कहते हैं लाइटिक फेज। लाइटिक फेज में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, तो सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले यह अटैचमेंट दिखाएगा, किसके साथ, अटैचमेंट विथ होस्ट सेल। ठीक है, फिर अटैचमेंट कर लिया होस्ट सेल के साथ, तो अपना जेनेटिक मटेरियल को ऐड करेगा, एडिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, अब एडिशन करने के बाद रेप्लिकेशन विथ होस्ट से, यानी डीएनए से डीएनए बनने को हम लोग रेप्लिकेशन कहते हैं। जितनी बार इसका जेनेटिक मटेरियल डिवाइड करेगा उतनी बार वायरस का भी जेनेटिक मटेरियल डिवाइड करेगा, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, रेप्लिकेशन, एंड देन रिलीज ऑफ वायरस। तो नया वायरस बन के रिलीज हो गया। उसके बाद में देखिए लाइसोजेनिक के बाद, ये लाइटिक के बाद लाइसोजेनिक, लाइसोजेनिक में रिकॉम्बिनेशन ऑफ वायरल जेनेटिक मटेरियल एंड इट डिवाइड विथ होस्ट सेल। ये होस्ट सेल के अंदर जाएगा और उसके जेनेटिक मटेरियल के साथ जुड़ जाएगा, और जितनी बार वो डिवाइड करेगा उतनी बार ये डिवाइड करता रहेगा। ठीक है, एक होता है टेम्परेट। तो टेम्परेट का मतलब टेम्परेट में जरूरी नहीं है कि वो होस्ट सेल को लाइज ही करे, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। नॉट एसेंशियल टू डिस्ट्रॉय होस्ट सेल, यानी हो ये जरूरी नहीं है कि होस्ट सेल को वो डिस्ट्रॉय ही करे, तो नॉट एसेंशियल टू डिस्ट्रॉय होस्ट सेल। ठीक है, उसके बाद में आइए नॉन एसेंशियल टू डिस्ट्रॉय होस्ट सेल। तो इस तरह की बात को आप समझ गए। अब
नॉट एसेंशियल टू डिस्ट्रॉय होस्ट से। अब एक चीज देखिए, एक वायरस का क्लासिफिकेशन जो है, तो क्लासिफिकेशन तीन पार्ट में इसको क्लासिफाई करते हैं। एक जो कहते हैं फैगिनी, दूसरे को कहते हैं फाइटोफैगिनी, और तीसरे को कहते हैं जू फैगिनी। फैगिनी का मतलब ये किसको अटैक करेगा, अटैक बैक्टीरिया को अटैक करेगा। फाइटो का मतलब प्लांट से, यानी किसको अटैक करेगा, अटैक प्लांट। और जू का मतलब यानी अटैक एनिमल। तो इस तरह से ये अलग अलग यानी कि टाइप्स में कहें या क्लासिफिकेशन वायरस में इस तरह से हम लोग कभी कभी देख लेते हैं। अब एक स्ट्रक्चर आपको हम बनाते हैं, टीएमवी वायरस का स्ट्रक्चर है। यह एक टीएमवी वायरस का स्ट्रक्चर है और देखिए दिस इज द हेड, ये हो गया नेम, ये हो गया कॉलर, ये हो गया बेस प्लेट, ठीक है ना, और ये इसका हो गया वायरस का टेल फाइबर, ठीक, और ये उसका हो गया डीएनए यानी जेनेटिक मटेरियल। तो यहां पर ये जो हेड यानी कि ये जेनेटिक मटेरियल जो अंदर में कवर है, दिस इज द, ये जो पार्ट हुआ दिस इज द कैप्सिड, यही कैप्सिड कहलाएगा, ठीक है, और ये उसका जेनेटिक मटेरियल हो गया। उसी तरह एक आरएनए वायरस को अगर थोड़ा सा हम लोग देखे एग्जाम्पल के रूप में आपको हम ये भी बना देते हैं, यह एक आरएनए वायरस का है एग्जाम्पल।
ठीक है। तो ये हो गया उसका आरएनए और ये उसका हो गया कैप्सिड। तो इस तरह से जो है ये अलग अलग वायरस का एक अलग अलग स्ट्रक्चर होता है और उसी स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम लोग ये देख लेते हैं। ठीक, अब कुछ ऐसे वायरस हैं जिनके नाम और थोड़े से उससे होने वाले रिलेटेड डिजीज को हम लोगों को देखना है। तो अगर ये स्ट्रक्चर हो गया डिजीज के नाम को देखेंगे। वायरस उसका डीएनए या फिर उसका आरएनए कैसा है और उसे होने वाले डिजीज, तो ये आपको थोड़ा सा देखना है। जैसे एग्जांपल और कुछ उससे रिलेटेड नाम, एडिनो वायरस डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, नाम है इस वायरस का एडिनो वायरस और इसका जेनेटिक मॉडल कैसा होता है तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ये क्या कॉज करता है तो ये ट्यूमर करता है। ट्यूमर का मतलब अनवांटेड ग्रोथ कहीं पर जो हो जाते हैं, कभी कभी एक्स्ट्रा ग्रोथ देखते होंगे, यानी कि ट्यूमर इज द सिम्टम्स ऑफ कैंसर। सभी ट्यूमर कैंसर नहीं है लेकिन सभी कैंसर में ट्यूमर होगा। तो ये सब कैंसर का पार्ट अभी बहुत आगे की चीजें हैं, बस इतना समझ लीजिए। दूसरा वायरस है हर्प्स वायरस, यह भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये फीवर ब्रीचर करता है। ठीक, उसके बाद है वेरिसेला जोस्टर, यह डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और ये चिकन पॉक्स। दूसरा और भी वायरस या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है जो इंसेफेलाइटिस करता है, या दूसरा रोटा वायरस जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और यह डायरिया करेगा। के बाद रिनो वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए कॉमन कोल्ड, जो हमें कभी कभी सर्दी होती रहती है वो इसी के वजह से होती है। उसके बाद में है हिपेटो वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए यानी हेपेटाइटिस ए के लिए है, और न्यूमोवायरस या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है जो क्या करता है, निमोनिया कॉज करता है। फ्लेवी वायरस जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, यह डेंगू फीवर करता है। उसके बाद में एचआईवी का वायरस, खासकर के एचआईवी थर्ड टाइप के जो हैं, तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है जो एड्स करता है। इन्फ्लुएंजा
इन्फ्लुएंजा वायरस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है जो इन्फ्लुएंजा करता है। इंटेरो वायरस जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है जो पोलियो करता है। लीजा वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है जो रैबिज यानी डॉग वगैरह के काटने से जो रैबिज होती है वो काउज करता है या तो उसके लिए है। तो इतने सारी बातों को ये थोड़े से कुछ वायरस के नाम आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सब रिलेटेड वायरस में और उससे होने वाले डिजीज जो है उनके नाम मैंने आपको एक जगह दिया है। अगर इतने आपको थोड़े से याद हो जाते हैं तो इसमें आपको जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था खास करके 5174 वो काफी इम्पोर्टेंट है नाम, क्योंकि वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस के एग्जांपल है। तो आपको इतना थोड़ा सा याद रखना आप जरूरी है। इसके बाद में बस दो टर्म और बचे हैं, उसके बाद वायरस हमारा कंप्लीट है। अगर इतना आपका नोट डाउन हो गया है ओके, तो पहले आप इसको ये नोट डाउन कर लीजिए। इसके कंप्लीट होने के बाद ही में हम लोग बस दो टर्म देखेंगे क्या होता है प्रायोन ओके। तो अगर ये आपका कंप्लीट हुआ तो चलिए अब दो हम लोग और सिंपल टर्म को देखना है, क्या होता है वायरोइड और क्या होता है प्रायोन। तो ये दो टर्म जो है वो हम लोग अब करना है। एक है वायरोइड, तो वायरोइड जो है वो एक सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर स्मॉल नेकेड आरएनए मॉलिक्यूल, यानी कि जिस वायरस यानी कि यह एक ऐसा वायरस नहीं कहेंगे, यह एक ऐसा पार्ट है जिसके ऊपर कैप्सिड नहीं है, सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का पार्ट है। जैसे वायरस है तो वायरस में दो चीज, एक जेनेटिक मटेरियल और एक कैप्सिड होना चाहिए, लेकिन यहां पर सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है कैप्सिड नहीं है, लेकिन यह भी हमारे बॉडी में डिजीज कॉज करता है, तो इस तरह के पार्ट को हम लोग वायरोइड कहते हैं। और आरएनए मॉलिक्यूल का जो साइज होगा वह लगभग 250 से 370, अभी ये मान लिया आपको समझ में नहीं आ रहा है कि 250 से 370 न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या हुआ, ये सब अभी बहुत आगे की चीज है। यानी न्यूक्लियोटाइड कहने का मतलब कि जो डीएनए भी जो है वह छोटे छोटे पार्ट से बना है जिसका नाम है न्यूक्लियोटाइड। जैसे मोतियों का माला समझ लो कि बहुत सारे मोती आपस में मिलकर के एक माला बनाते हैं, तो उसी तरह यहां पर जैसे मोती का माला होता है ना कि बहुत सारे छोटे छोटे मोती मिलकर के एक माला बना दिए, तो आप उसका नाम क्या कहें, माला। माला कहने का मतलब बहुत सारे छोटे छोटे मोती के पार्ट हैं, तो उसी तरह आरएनए मॉलिक्यूल का मतलब बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड है, तो न्यूक्लियोटाइड का मतलब हुआ मोती, और जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए का मतलब हुआ माला। मोती अलग अलग तरह के, कोई ब्लैक मोती होता है कोई व्हाइट मोती होता है, उसी तरह डीएनए और आरएनए दो अलग अलग तरह की चीज है। तो बस अभी सिंप्लीफाई करके आप इतना समझ लो, तो वायरोइड का मतलब हुआ एक तरह से यानी नो कैप्सिड एंड इट ऑल्सो काउज डिजीज इन ह्यूमन। उसी तरह से है एक प्रायोन,
ट्रायोन का मतलब जैसे यहां पर क्या था कि सिर्फ जेनेटिक मटेरियल, और यहां पर सिर्फ प्रोटेनियस कैप्सिड होगा विदाउट जेनेटिक मटेरियल। प्रोटेनियस पार्टिकल, प्रोटेनियस पार्टिकल यानी कैप्सिड, कैप्सिड विदाउट विदाउट जेनेटिक मटेरियल। तो प्रोटेनियस पार्टिकल यानी कि कैप्सिड बिना जेनेटिक मटेरियल का डेड काउस डिजीज कॉल्ड प्राइमस। तो इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, तो उसको हम लोग